क्या आपको पता है इस बिलियनर के टोटल 6 बच्चे हैं? इन बच्चों के पिता रिवॉल्यूशनरी इलॉन मस्क इन्हें इतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपनी कंपनी टेस्ला और स्पेसएक्स को प्यार करते हैं। यदि आपकी लाइफ में पैसों की प्रॉब्लम ना हो तो आप अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करेंगे? ऑल्सो इलॉन वर्ल्ड के फर्स्ट ट्रिलियनर बनने से दूर नहीं है, सो लेट सी कि कैसे इलॉन के बच्चे उनकी वेल्थ को अपनी लग्जरी एंड रिच लाइफस्टाइल के लिए यूज करते हैं और पूरे वर्ल्ड के सामने एक स्मार्ट एंड मे बी एक एलियन इमेज बनाने के बाद लेट्स सी इलॉन अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। बिकॉज इलॉन मस्क किसी नॉर्मल या फिर एक ट्रेडिशनल फादर की कंपैरिजन में काफ़ी ऑपोजिट हैं, जो कि एक बिलियनर फादर के लिए काफ़ी अनयूजुअल है। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चों को किसी एक्सपेंसिव स्कूल में पढ़ने के लिए भेजने की जगह उन्हें अपनी स्पेस कंपनी की फैक्ट्री में बने स्कूल में पढ़ाना, कॉल्ड एड एस्ट्रा, जिसके बारे में हमने अपनी वेरियस वीडियोस में डिस्कशंस की हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिया गया है। अमेरिकन मैगजीन फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इलॉन आज की डेट में प्लैनेट अर्थ पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों का नाम रिचेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। एंड यदि इलॉन के सभी बच्चे आपस में इलॉन की वेल्थ को डिवाइड कर भी देंगे तो भी इलॉन के सभी बच्चों का नाम रिचेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में टॉप पर देखा जाएगा। बट इलॉन आज इस लेवल पर ओनली इसलिए पहुंच सके हैं बिकॉज इलॉन आज भी इस तरह काम करते हैं मानो जैसे वो अपनी नेक्स्ट सैलरी आने तक कोई भी एक्सपेंसिव चीज परचेज करने के बारे में नहीं सोच सकते। इस तरह की डेडिकेशन की वजह से इलॉन हर हफ्ते टोटल 80 आवर्स काम करते हैं, मीनिंग इलॉन हफ्ते में हर दिन एटलीस्ट 12 घंटे काम करते हैं। इस तरह के बिजी स्केड्यूल की वजह से इलॉन के लिए अपने 6 बच्चों की देखभाल कर पाना बिल्कुल भी इजी नहीं है, स्पेशली ऐसे व्यक्ति के लिए जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटीज एंड प्रायोरिटीज़ हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए इलॉन किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज इलॉन को डेली नॉट जस्ट 1 or 2 even 3 बट वेरियस कंपनीज हैंडल करनी पड़ती हैं, साथ ही वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं ताकि वो प्लैनेट अर्थ पर मौजूद लोगों के लिए एक बेटर फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें और उन प्लान्स को रियल बनाने के लिए छोटे से छोटे गोल्स को अचीव कर सकें। एंड इलॉन को इन सभी चीज़ों पर हर दिन ध्यान देना पड़ता है, जो उनके लिए उनकी फैमिली टाइम के बीच आने वाली प्रॉब्लम्स में से एक है। सो कैसे इलॉन मस्क अपनी वर्क लाइफ को सक्सेसफुली पूरा करने के बाद अपने बच्चों के साथ फ्री फायर खेलने का टाइम निकाल पाते हैं? इलॉन के सभी 6 बच्चों में से उनका एक बच्चा टीनेजर नहीं है, एंड जिस तरह सभी टीनेजर्स एवरी मॉर्निंग या फिर अपनी लाइफ का हर एक पल अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उसी तरह इलॉन के ये 5 बच्चे भी अपना अलोन टाइम अपने साथ खुशी खुशी स्पेंड करते हैं। एंड इलॉन अपने बच्चों के इस ग्रोथ पीरियड को काफ़ी हैप्पीली इंजॉय करते हैं। बिकॉज इलॉन अपनी लाइफ में थोड़ा फ्री टाइम मिलने पर अपनी लाइफ को ट्विटर के थ्रू पूरे वर्ल्ड के साथ मीम शेयर करने में इंजॉय करते हैं। इलॉन के फर्स्ट बेटे ग्रिफिन एंड जेवियर ट्विन ब्रदर्स हैं, जिनका जन्म 2004 में वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से हुआ था, ऑल्सो कॉल्ड IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज। एंड इलॉन के सेकंड बेटे काई सैक्सन एंड डेमियन ट्रिपलेट्स हैं, जिनका जन्म अपने बड़े भाइयों की तरह ही IVF की मदद से 2006 में हुआ था। एंड फाइनली 4 मई 2020 को इलॉन और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कनेडियन सिंगर ग्राइम्स ने अपनी फैमिली में एक न्यू फैमिली मेम्बर का वेलकम किया, इलॉन के 5th बेटे एक्स एश A12। ऑल्सो काफ़ी कम लोगों को ही पता है बट इलॉन के फर्स्ट बेटे का नाम निवाडा एलेक्जेंडर मस्क था, जिनका जन्म 2002 में हुआ था, बट हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से इलॉन के फर्स्ट बेटे बर्थ के 7 मंथ्स बाद ही गुजर गए। इलॉन मस्क ने अपनी लाइफ में काफ़ी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स फेस की हैं बट उनके लिए ये लॉस उनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस था, जिसके बारे में वो बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं करते। इनफैक्ट इलॉन से उनके इस लॉस के बारे में जब एक इंटरव्यू में पूछा गया तो इलॉन का कहना था कि वो अपने बेटे निवाडा को खोने के बारे में बात करने से अच्छा खुद को फिजिकली चोट पहुंचाना पसंद करेंगे। अपनी फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन से अलग होने के बाद इलॉन मस्क ने अपने सभी 5 बच्चों की कस्टडी खुद ले ली, बट बच्चों से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए इलॉन जस्टिन के साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व होने की जगह ये काम अपने पर्सनल असिस्टेंट से करवाते हैं,
एंड इलॉन बेसिकली ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी एक्स वाइफ को अपनी रियल लाइफ में अवॉइड कर सकें। बट अपने बच्चों की वजह से इलॉन और जस्टिन कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से अब मिलने लगे हैं। बिजी रूटीन की वजह से और अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए हार्डवर्क करने की वजह से इलॉन मुश्किल से ही अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। एंड फ्री टाइम ना होने की वजह से इलॉन किसी भी अमेरिकन फादर की तरह अपने बच्चों के साथ एवरी संडे कुकिंग, पिकनिक, टीवी और वीडियो गेम्स जैसी फन एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते। बट इसका मतलब ये नहीं कि इलॉन अपने बच्चों को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि इलॉन अपने बच्चों को अपनी लाइफ का ट्रू लव कंसीडर करते हैं। एंड इलॉन मस्क अपने बच्चों को प्यार से इसी नाम से बुलाते हैं। इनफैक्ट इलॉन अपनी लाइफ का हर एक मिनट अपने बॉयज़ के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने में स्पेंड करते हैं। एंड ऐसा करने के लिए इलॉन की वेल्थ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अपनी नेटवर्थ की वजह से इलॉन जब चाहे अपने बच्चों को अपने साथ वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए ले जा सकते हैं। एंड जिस समय इलॉन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बिजी होते हैं, उनके बच्चे वर्ल्ड के मोस्ट एग्जॉटिक प्लेसेस को विजिट कर रहे होते हैं। एंड जब कभी इलॉन अपनी कार कंपनी टेस्ला की वजह से काम की वजह से घर नहीं जा पाते, उन दिनों इलॉन अपने बच्चों को कैलिफोर्निया में मौजूद टेस्ला हेडक्वार्टर्स में अपने प्राइवेट प्लेन की हेल्प से बुला लेते हैं, सो दैट वो फैक्ट्री में अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। एंड एवरी ईयर मस्क फैमिली किसी नाइस प्लेस पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए जाती है, सो दैट इलॉन मीडिया से दूर रहकर अपना ब्रेक टाइम इंजॉय कर सकें और अपने ब्रेन को मच नीडेड रेस्ट प्रोवाइड कर सकें। किसी बिलियनर बच्चों के कंप्लीट ऑपोजिट, इलॉन के बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए किसी पब्लिक या फिर प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते, बल्कि इलॉन के बच्चे उनके ही बनाए गए स्पेशल तरह के स्कूल एड एस्ट्रा में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, जहां पर आज हर एक रिच पर्सनैलिटी अपने बच्चों को स्टडी के लिए भेजना चाहता है। इलॉन के अकॉर्डिंग करंट एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है हम इंडियंस की एजुकेशन सिस्टम, जिसका सिलेबस लास्ट टाइम कब चेंज हुआ था ये तक बता पाना काफ़ी मुश्किल है। बट थैंकफुली ये सभी चीज़ें अब राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इलॉन के स्कूल में बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लास नहीं दी जाती, बल्कि एड एस्ट्रा में सेम मेंटल एज के स्टूडेंट्स को सेम क्लास में रखा जाता है। एड एस्ट्रा की सभी डिटेल्स को हमने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है, वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सिंस एड एस्ट्रा में स्टूडेंट्स को उनकी मेंटल एज के अकॉर्डिंग क्लास दी जाती है, इसी वजह से एड एस्ट्रा के स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। एंड एड एस्ट्रा में स्टूडेंट्स को अपनी एनर्जी ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलेटेड चीज़ों पर फोकस करना सिखाया जाता है। एक इंटरव्यू में इलॉन कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से जुड़ी एक बात काफ़ी परेशान करती है कि उनके बच्चों ने लाइफ की वो स्ट्रगल फेस नहीं की है जो इलॉन मस्क ने अपने बचपन में की थी, जिसकी वजह से इलॉन वो पर्सन बन सके जिन्हें आज पूरा वर्ल्ड इलॉन मस्क के नाम से जानता है। इलॉन के अकॉर्डिंग उन्होंने जिन चीज़ों को अपनी लाइफ की अर्ली स्टेजेस में फेस किया था, उन चीज़ों की वजह से इलॉन को आज अपनी प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए स्ट्रेंथ और विल पावर मिलती है, जिसकी वजह से अफ्रीका में हुई स्कूल बुलिंग को इलॉन फेस कर पाए थे। उन दिनों यदि उन्हें स्कूल का कोई स्टूडेंट परेशान करता या उनके साथ लड़ाई करता, तो इलॉन फर्स्ट ये देखते थे कि दूसरे स्टूडेंट की मार की वजह से कहीं उनकी चोट से खून तो नहीं निकल रहा। यदि उन्हें अपनी चोट से खून निकलता नहीं दिखाई देता, तो इलॉन अपने साथ हुई बुलिंग को पूरी तरह से भुला देते और अपने रूटीन पर फोकस करते। थैंकफुली आज की डेट में किसी भी स्कूल में इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। हाउएवर इलॉन के बच्चे ऐसी लग्जरी और लाइफ को इंजॉय करते हुए बड़े हो रहे हैं, जिसे इंजॉय करने का चांस इस प्लेनेट पर काफ़ी कम लोगों को ही मिलता है। आपका क्या ख्याल है इलॉन के बच्चों की लाइफस्टाइल के बारे में? कॉमेंट डाउन बिलो। यदि आपके पेरेंट्स बिलियनर्स होते तो आपका चाइल्डहुड कैसा होता? यदि आपके पास कोई भी वीडियो सजेशन हो तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लीव योर फीडबैक। तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम। अंटिल नेक्स्ट टाइम।